चुनावी समर में एक दफा फिर से ईडी की एंट्री हो ही गई, जैसा कि राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस के सीएम अशोक गहलोत लगातार तमाम मंचों से कहते रहे हैं कि जहां जहां चुनाव आते हैं ईडी वहां वहां पहुंच जाती है। उनका अंदेशा निकला भी सही। राजस्थान में 25 दिसंबर से विधानसभा चुनाव है और जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त कांग्रेस के नेताओं पर ईडी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। सबसे पहले ईडी ने टारगेट किया राजस्थान के पीसीसी चीफ और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को। पेपर लीक मामले में इनके सीकर और जयपुर सहित 5 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की। इसके अलावा महुआ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की। उधर लगे हाथ सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव को भी ईडी ने सम्मन जारी कर दिया। ईडी की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से कांग्रेस पूरी तरह भड़क गई और सीएम गहलोत ने तो इसके बाद तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। बीजेपी पर गहलोत ने जमकर हमला बोला। उन्होंने चुनाव के दौरान ईडी की कार्रवाई को चिंताजनक बताया। गहलोत ने कार्रवाई पर सफाई देते हुए कहा कि वैभव गहलोत का जहां तक मुझे अंदाजा है यह टैक्सी की एक कंपनी है, उसका मामला है कंपनी में किसने किसको शेयर बेचे, उसका जवाब कंपनी दे रही है, लेकिन वे टारगेट तो मुझे ही कर रहे हैं। देखिए वैभव गहलोत का काम है नहीं। इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब देते हुए कहा कि चुनाव आते वैभव गहलोत का तो खाली, जहां तक मेरे को नॉलेज है, एक खाली टैक्सी की जो है कंपनी है उसपे रतन शर्मा पहले पार्टनर था 25-30 लाख रुपए का। 25-30 लाख रुपए का ही हिस्सेदारी मेरे ख्याल वैभव गहलोत की थी और वो अलग पार्टनर अलग हो गए, इतना ही मामला है। अब उस होटल के अंदर जो कंपनी है उसमें शेयर कितने बेचे, किसको बेचे, कितने बेचे, वो कंपनी जवाब दे रही है। इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि चुनाव आते ही ईडी सीबीआई आईटी आदि भाजपा के असली पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा कि राजस्थान में अपनी निश्चित हार को देखते हुए भाजपा ने चला अपना आखिरी दांव। खड़गे ने यह भी लिखा कि मोदी सरकार की तानाशाही लोकतंत्र के लिए घातक है। हम एजेंसियों के दुरुपयोग के लिए खिलाफ लड़ते रहेंगे, जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी कहा कि राजस्थान के लोग सब देख रहे हैं और वो दिल्ली के आगे न कभी झुके हैं और न झुकेंगे। इससे वो कांग्रेस को आशीर्वाद देना चाहते हैं। अभी पिछले हफ्ते गहलोत जी ने AICC में बैठकर एक प्रेस वार्ता की और कहा था कि ईडी और एजेंसी की भूमिका बढ़ने वाली है। उन्हें समझ में आ गया था कि जो कुंठा भारतीय जनता पार्टी में है, हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी आश्वस्त है कि तुरंत ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को राजस्थान में छोड़ दिया है। अभी कुछ योजनाएं घोषित हुई थी। प्रियंका गांधी जी अभी राजस्थान कल गई, उन्होंने अच्छी घोषणाएं की। उन घोषणाओं का असर यह है कि सुबह सुबह आज ईडी की दस्तक हो गई। खैर, राजस्थान के लोग सब कुछ देख रहे हैं, वो दिल्ली के आगे कभी झुकते नहीं है, ना पहले कभी झुके हैं, ना अब झुकेंगे। दूसरी ओर प्रदेश प्रभारी रंधावा ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजस्थान में अब ईडी के चेहरे पर ही चुनाव होंगे। उन्होंने चुटकी ली और आगे कहा कि अब प्रदेश में बीजेपी के पास कोई नेतृत्व नहीं है, न कोई नेता। रंधावा ने कहा कि कांग्रेस की वापसी सुनिश्चित देखते हुए बीजेपी ने ईडी को चेहरा बनाया है, कार्रवाई की है। खैर, हम तो आज भी यही कहेंगे कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी एक स्वायत्त संस्था है और उसे मनी लॉन्ड्रिंग या उसके दायरे में आने वाले मामलों में किसी पर भी कार्रवाई का अधिकार है। लेकिन कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठते ही हैं। आखिर चुनावों में ही अचानक ऐसी कार्रवाई क्यों होती है? यह कार्रवाई चुनावों से पहले या बाद में भी तो हो सकती है। आखिर क्यों इस कार्रवाई को कांग्रेस का मनोबल तोड़ने वाली ना कहा जाए? खैर, आज के लिए बस इतना ही।